अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दाना भाई? ठीक ठाक हो? खैर ये सब फिट फाट हो ना? वैसे आज आपको पता तो चल ही गया होगा टिक टाक के बारे में। तो मैं 3-4 बजे गया चाचे के साथ वीडियो बनाने। मैंने सोचा चलो चाचे के साथ वीडियो बनाता हूँ, कुछ अपनी बनाऊंगा कुछ चाचे के साथ बनाऊंगा। तो मैंने चाचे के साथ 2 वीडियो बनाई, एक अपनी अकेले की बनाई, तो एक मैंने उधर ही अपलोड की। अपलोड करके तो मैं पट शिट पड़ने लग गया। मैंने सोचा चलो पट्टे शिट वाड़ लेता हूँ। तो 2 ले लिया मैंने पट्टे बड़े वाड़ी। मैंने सोचा चलो देखता हूँ कितने लाइक आए हैं दूसरे मोबाइल से। मैंने जब देखा टिकटॉक ओपन ही नहीं हो रही थी। मैं सोच सोच के परेशान, मैंने सोचा मेरा पैकेज मुक गया है। मैं भजता स्कूटर मैंने किसी से मांगा, मैं जल्दी जल्दी गाँव आया। गाँव से मैंने स्टोर पे आया, उधर स्टोर है हमारे गाँव में, उधर से मैंने पैकेज लगवाया नेट का नया। मैंने सोचा चलो अभी जाके देखता हूँ, उधर इधर लोक में सर्विस नहीं आती तो बाहर जाके देखता हूँ। पट्ठों में बहुत अच्छी सर्विस आती है, क्योंकि पिंड से बाहर चले जाते हैं, बहुत अच्छी सर्विस आती है नेट। मैंने सोचा चलो इधर बैठ के देखूंगा। उधर जब मैंने जाके देखा फिर टिकटॉक ओपन नहीं हो रही थी, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक सब ओपन हो रही थी, यूट्यूब भी, सिर्फ टिकटॉक ओपन। फिर मैंने सोचा बस कोई मसला होगा, चलो ना पट्ठे वढ़ता हूँ, पट्ठे वढ़ के घर खड़ता हूँ तो फिर जाके घर में देखूंगा क्या सीन है। तो जब मैं पट्ठे लाद के उधर से निकला, रास्ते में पहुंचा तो 3-4 लड़के खड़े थे सड़क पे। तो मुझे देख के हंसने लग पे, बोलते हैं टिकटॉक तो बैन हो गया। मैंने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं, वैसे मेरा नेट नहीं से चल रहा इसलिए ये बोल रहे हैं, मतलब टिकटॉक बैन हो गया। मैं जब घर पहुंचा पट्ठे शट्ठे मैंने रखे, रख के कुतर शुतर के मैंने मज्जों को पाए। फिर मैं पट्ठे कुतर के जब अंदर गया तो मैंने मोबाइल पकड़ा और मैंने ऐसे टिकटॉक निकाल कर ओपन की, वो एक एड शो हो रहा था। अब ये देखें वो भी नहीं शो हो रहा, एड भी पहले एक एड इधर शो हो रहा था, अब कुछ भी नहीं। मैं परेशान हो गया। फिर मैंने व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप पे दोस्तों के इतने मैसेज आए हुए थे, पर टिकटॉक बैन हो गया है। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने देखा एक वीडियो आई हुई थी न्यूज खबरों वाली, मैंने खबरों सुनी, उन्होंने बता रहे खबरों में बता रहे थे वो टिकटॉक बैन हो गया पाकिस्तान में भी। फिर मैंने खबरें सुनी, मैंने सोचा यार मतलब जो भी हमारी हुकूमत ने फैसला लिया हमारे लिए लिया है, लेकिन अच्छे के लिए लिया होगा। हम ये नहीं कह सकते वो हमारी टिकटॉक फिर ओपन करें, हमारे फायदे के लिए फैसला लिया होगा, अच्छा ही हुआ होगा, मतलब अच्छे के लिए फैसला उन्होंने लिया है वो, मतलब टिकटॉक बैन होनी चाहिए। तो अब हम ये नहीं कह सकते वो टिकटॉक वो ओपन करें, बस अब यही टेंशन है। आप लोगों ने टिकटॉक पे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया, वो मैं प्यार आपका सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। तो अगर आप इस तरह हमें यहाँ पे प्यार करेंगे तो हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, फनी वीडियो बनाएंगे, तो इस तरह चिल मस्ती करेंगे। आप लोग हमें यहाँ पे भी प्यार करें। तो एक मेरा दोस्त है जो मतलब टिकटॉक के ऑफिस में ही होता है, तो उससे मैंने बात की, रब्ता किया, तो वो बोल रहा था मतलब अभी टिकटॉक फाइनल मतलब नहीं हुआ, मतलब पक्का बंद होगा या मतलब नॉर्मल होगा, हो सकता है वो बोल रहा है मतलब कुछ दिनों के लिए बैन हुआ हो फिर वापस आ जाए। तो अगर मैं परेशान तो बहुत हुआ हूँ बट टिकटॉक बैन हो गया, तो इंशाल्लाह आप लोग हमें यहाँ पे भी प्यार करें तो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं इधर, और टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ इंशाल्लाह रहेंगे। तो जो दोस्त मेरे मतलब VPN डाउनलोड करके टिकटॉक ओपन कर रहे हैं चला रहे हैं ना, वो बिल्कुल ना चलाएं, ये मेरी बात मतलब मजाक नहीं समझना। जिस दिन जगह टिकटॉक ओपन हो गई तो फिर वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे वो फ्रीज हो जाएगा, बैन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरह कभी भी ना ओपन करें, आप बस आराम से बैठ जाएं, बस अपने अपने कामों में बिजी हो जाएं जिस तरह पहले थे। जगह टिकटॉक ओपन हुआ तो फिर टिकटॉक पे आ जाना। तो मैं बहुत थोड़ा परेशान हूँ, कन्फ्यूज हो गया हूँ, मुझे ना भूख लग रही है ना कोई रोटी की फिक्र है, बस ना आज सारी रात मुझे लगता है बस ख्यालों में ही गुजरेगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जरूर मिलते हैं, और आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हमारी दुआएं हैं, और खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। तो और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और वीडियो अच्छी अच्छी हम आपके लिए बनाएंगे।